दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में ब्लैक हल्क आया था काली दुनिया से और उसको हमने हरा दिया था, लेकिन इस बार वो ब्लैक हल्क बदला लेने के लिए वापस आ चुका है समंदर से और साथ ही साथ अपनी पूरी की पूरी सेना भी लेके आया है और उसकी सेना और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और ये सब के सब काली दुनिया से शक्तियाँ लेते हैं और इनके साथ एक एविल हल्क भी आया है जो इनसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली है और ये सब के सब मिल पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर रहे हैं, पता नहीं कितने मासूमों की जान ले रहे और सभी लोगों को परेशान कर रहे। और यही नहीं, ब्लैक हल्क का तो श्राप पूरे लॉस सैंटोस पर लग गया है, खाली काले बादल छाए हुए हर जगह, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस खतरे में, हमें इन्हें जल्दी रोकना होगा वरना पूरा का पूरा लॉस सैंटोस नर्क में बदल जाएगा। अरे फ्रेंडली भाई गाड़ी जल्दी भगाओ यार, नहीं तो ब्लैक हल्क इससे ना हमें कुचल के हमारा चींटी बना देगी। जल्दी भगाओ। अरे हाँ सिंजन भगा रहा, एक तो यार पिछली बार उस ब्लैक हल्क को हरा दिया था हमने, लेकिन यार इस बार तो पूरी की पूरी ब्लैक हल्क की सेना लेके आ गया है वो, और साथ ही साथ पता नहीं कौन से एक और राक्षस को लेके आ गया है जो कि काली दुनिया से आए। भाई साहब आज तो पूरी लगने वाली है, फटाफट जाते यार, देखते आयरन मैन ये लोग है कि नहीं हमारी मदद करने के लिए। चल फटाफट आ जा। अरे हाँ हाँ जल्दी चले फ्रैंकलिन भैया। एक तो यार इनके घर में कोई होता है कि नहीं। अरे यार आज भी मेरे को घर खाली खाली क्यों लग रहा है, यहाँ पे यार ये थॉर पी के पड़ा हुआ है, हल्क दद्दू है, लेकिन यार आयरन मैन स्पाइडर मैन किधर है, अपना हल्क किधर है? भाई साहब पूरा घर खाली है, यहाँ पे जिम में है क्या? अरे यार यहाँ भी कोई नहीं, स्कारलेट विच भी नहीं है। अब यार अब हमारी मदद कौन करेगा? ये लोग यार अभी तक मल्टीवर्स से आए नहीं क्या आयरन मैन ये लोग? अब क्या करूं, एक काम करता हूं, इन्हीं से पूछना पड़ेगा। पहले तो यार ये थॉर को देना पड़ेगा, इसको देखो यार जब देखो पी के पड़ा रहता, कभी भी मुसीबत के वक्त काम आता ही नहीं। इसकी ऐसे की तस्सी, ये ले और मेरे लात खा तू। अरे बहुत बढ़िया फ्रैंकली भाई, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये थॉर एक नंबर का नुबड़ा है, किसी काम का नहीं आता। पता नहीं एवेंजर्स वाले इसको क्यों रखे हैं, इसको तो हलवाई की दुकान पे काम करना चाहिए। अबे हाँ यार सिंचन तूने बात तो बिल्कुल सही बोली है, लेकिन यार अब ये ब्लैक हल्क पे हमें ध्यान देना होगा यार, ये जो काली दुनिया से आए इतने सारे। अरे यार पिल्लू पिछली बार तो यार हम दूसरी दुनिया में से जाके ब्लैक हल्क का सूट लाके इनको मार दिया था, लेकिन यार इस बार क्या करें, इस बार तो पूरी की पूरी सेना है और साथ ही साथ एक एविल हल्क भी लेके आए जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उनको कैसे हराया यार? कोई तुम्हारे पास आइडिया है क्या हल्क दद्दू, आपको कुछ पता है क्या इस बारे में? अरे देखो फ्रैंकलिन बेटा, हल्क दद्दू को ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो काली दुनिया से शक्ति लेते हैं, ये हल्क को हराने का बस एक ही रास्ता है। तुम्हें जाना होगा दूसरी दुनिया में, टाइटन की दुनिया में, वहां पे तुम्हें इन सभी शक्तिशाली हल्क के सूट मिलेंगे। अगर तुम वो हल्क के सूट को इस दुनिया में लेके आ जाओ तो तुम इनको जरूर हरा पाओगे, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहां पे एलियन और पता नहीं कौन से राक्षस रहते हैं, लेकिन अगर तुम उस दुनिया में जाकर लेके आ गए तो तुम पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी हरा सकते हो, समझे क्या? बाकी हल्क दद्दू तो है ही शक्तिशाली। अच्छा तो ऐसी बात है क्या? सो गाइस यहाँ पे हल्क दद्दू ने बताया कि अगर हमें उसे हराना है तो हमें किसी टाइटन दुनिया में जाना होगा, मतलब दूसरी दुनिया में, जैसे कि हम लोग पिछली बार गए थे स्पेस शटल की मदद से, तो इस बार भी हमें वैसे ही जाना होगा और वहां से बड़े वाले हल्क का सूट लाना होगा, तब हम इन सबको हरा सकते एक ही बार में, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तियां होंगी। चल सिंजन फटाफट जाते बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यार अब यहाँ पे रह के तो कुछ मतलब नहीं है, हमें फटाफट दूसरी दुनिया में जाना होगा। अरे भाई साहब इस एडवेंचर में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी होने वाला है। अरे फ्रेंडली भाई कितना भी मुश्किल हो हम लोग इस बार भी कर दिखाएंगे, हम लोग लॉस सैंटोस को जरूर बचा लेंगे उन राक्षसों से। चलो फटाफट चलते हैं। अरे हाँ सिंजन पहुंच ही गया, हट जाओ रास्ते से, इधर हम लोग इतना बड़ा काम करना है और ये लोग मस्ती कर, हटो भाई साहब। और गाइस देख सकते हम लोग एयरपोर्ट की तरफ पहुंच चुके, कच्चे एयरपोर्ट पे, और ये रहा हमारा स्पेस शटल। और एक मिनट, अबे भाई साहब ये क्या, इसकी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? अबे सिंजन जल्दी आ तो। अरे यार ये पूरे के पूरे स्पेस शटल की तो पूरी वाट लग गई है, इसके टायर नीचे फेंका गए, पूरे जल गई है यार। अच्छा मुझे याद है सिंचन, तू पिछली बार हल्क बन के इसको उड़ा के फेंक दिया था ना, उसकी वजह से पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है, और पिछली बार इसको स्पेस में लेके गए थे तो पक्का इसके इंजन विंजन में कुछ तो खराबी हो गई होगी। अरे यार ये तो बुरी तरीके से खराब हो गया, अब हम लोग दूसरी दुनिया में कैसे जाएंगे यार, हमारे पास तो दूसरा स्पेस शटल भी नहीं है और यार मिलिट्री बेस में भी नहीं होगा। अरे फ्रैंकली हमें कुछ तो करना होगा यार, हमें कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा, वरना दूसरी दुनिया से वो सूट कैसे लेके आएंगे? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे हाँ सिंचन हो तो गई है, लेकिन यार अब रुक जाओ कुछ सोचने दे मुझे, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे एक मिनट, वहां पे एक बंदा है, वो लगता है यहीं का आसपास का, चल यार उससे पूछते हैं इसमें हमारी कोई मदद कर सकता है क्या। अरे भाई साहब ये पुशअप्स मारना बंद कर रहे, तो लॉस सैंटोस खतरे में और ये भाई को अलग ही बॉडी बनानी है। अरे भाई सुनो यार, आपको कोई बंदा पता है क्या जो स्पेस शटल वगैरह ठीक करता है, मतलब इसको रिपेयर कर सकता है, आपको कुछ पता है क्या इसके बारे में? अरे कलवे स्पेस शटल
ठीक करने वाले के बारे में तो नहीं पता मुझे, लेकिन यहीं पास में रामू अंकल रहते हैं जो प्लेन वगैरह ठीक करते थे पहले, वो शायद तेरी मदद कर दे इसमें। ये जो पास का गांव है ना, उसी में दूसरे घर में रहते हैं वो, जल्दी जा नहीं तो वो अभी निकलने ही वाले होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, थैंक यू यार। अरे दोस्तों, इस बंदे ने बताया कि पास के गाँव में कोई रामू अंकल रहते हैं, वो यार प्लेन वगैरह ठीक करते थे, वो शायद हमारी मदद कर देंगे। चल सिंजन फटाफट जाते हैं यार। और यहाँ पे कौन सा घर होगा, उसने बोला था दूसरा घर होगा। हाँ सिंचन, मेरे ख्याल से यही घर है। हाँ हाँ यही होना चाहिए। चल आजा फटाफट अंदर। अरे यार कोई घर में क्या, हेलो, अरे रामू अंकल घर में हो क्या? अरे यार ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। और देख सिंचन, यहाँ पे सामान पड़े यार रिपेयरिंग वगैरह के, टायर वायर के, पक्का ये ठीक हुई की करता होगा, मतलब हम लोग सही जगह पे आए। लेकिन यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे हाँ फ्रेंड, है तो कोई नहीं, लगता है वो लोग घर वर छोड़ के चले गए क्या? अबे हाँ सिंचन, हो सकता है ऐसा। लेकिन एक मिनट सिंचन, यहाँ पे पीछे किसी के रोने की आवाज आ रही है। यहाँ पे पीछे कौन रो रहा है, आ तो जरा देखे तो हम भी। अरे कौन है? अरे यार ये देख सिंचन, ये शायद रामू अंकल और साथ में कोई और भी है। अरे रामू अंकल, हमें आपकी मदद चाहिए यार। अबे कलवे, तुझे मेरी मदद चाहिए? इधर मेरा बच्चा किडनैप हो गया, वैसे ही मैं परेशान हूँ, चले जाए यहाँ से वरना मार मार के तेरा मुंह काला कर दूंगा। अरे रामू अंकल, फ्रैंकलिन बे का मुंह क्या काला करोगे, उनका मुंह तो पहले से ही काला है। अबे सिंचन यार, थोड़ी देर अपना मुंह बंद रख यार, जब देखो किसी के भी सामने मेरी बेइज्जती कर देता है तू, थोड़ी देर शांत रहे। और यार गाइस, यहाँ पे रामू अंकल बोल रहे कि उनका बच्चा किडनैप हो गया, अब यार मैं कैसे मदद मांगू इनसे। अरे कलुए बेटा, तुम कैसे मदद की बात कर रहे हो? मेरा नाम है शामू, मैं रामू अंकल का भाई हूँ। इनका बच्चा बेचारा कल से ही किडनैप हो गया, पास ही के गुंडे लेके जा चुके हैं और इनका ट्रैक्टर भी चोरी करके लेके जा चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुखी है, अगर तुम इनकी मदद कर दो इनके बच्चे और इनके ट्रैक्टर को वापिस लाने में, तो ये रामू अंकल जरूर तुम्हारी मदद कर देंगे, हम सब मिलके तुम्हारी मदद कर देंगे, जो तुम बोलोगे वो। अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब इनके बच्चे को और ट्रैक्टर को बचा लेके आएंगे गुंडे से, तो आप हमारी मदद कर दोगे स्पेस शटल ठीक करने में? ठीक है भाई साहब शामू अंकल, मुझे ये डील मंजूर है। चलो बताओ कहाँ पे वो गुंडे, उनकी ऐसी की तैसी करके अब भी आपके बच्चे को बचा ले आएंगे, चलो फटाफट। अरे फ्रैंकली भाई, आप रामू अंकल से डील तो कर लिए, लेकिन यार आप गुंडों को मार के उनके बच्चे को कैसे बचाओगे? वो गुंडे तो आपकी चटनी बना देंगे, आप तो जोश जोश में कुछ भी बोलते हो। अरे लेकिन सिंचन, अब क्या ही कर सकते यार, अगर हमें दूसरी दुनिया में जाना है तो स्पेस शटल तो ठीक करवाना ही पड़ेगा, और वो ठीक कर सकते सिर्फ रामू अंकल। और यार रामू अंकल की हमें मदद करनी होगी यार, एक तो इनका बच्चा किडनैप हो गया। आ जाओ रामू अंकल, बताओ। अच्छा यहीं पे क्या गुंडे? रामू अंकल आप बस पीछे ही रहना, ठीक है, हमारे साथ मत आना वरना आपको कुछ हो जाएगा। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे गुंडे, और यहाँ पे रामू अंकल का बच्चा वो, और साथ ही में देख सकते हैं ट्रैक्टर भी है बाजू में। लेकिन यार इन सारे गुंडों को मारू कैसे? अरे फ्रेंड मैं तो बंदूक लेके रेडी हूँ, आप बस धमाका करना चालू करो। एक काम करो, स्मोक ग्रेनेड फेंको, धुएं धुएं में किसी को नहीं पता चलेगा। अबे हाँ सिंचन, तू दिमाग तो लगाता है, चल फटाफट एक ग्रेनेड निकाला और यहाँ पे 3-2-1 और यहाँ पे एक डाल देता और एक साइड में भी डाल देता बस भाई सर इसे। अरे ये क्या, इनको पता चलिए कि मैं इधर हूँ? रुको भाई साहब, फटाफट गन निकालता हूँ। और ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लो किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको भर दूंगा आज तो मैं। अरे बहुत बढ़िया फ्रेंकली, मैं मारो मारो इनको, छोड़ना मत, इन गुंडों की ऐसी की तैसी कर दो, मैं भी मार रहा हूँ। हाँ हाँ सिंजन, और यहाँ पे ये ले बेटा टकले पट्टे से हेडशॉट, और यहाँ पे कुछ गुंडे बचे अभी, बाकी को तो स्नाइपर से ले लूंगा। ये ले बेटा एक और हेडशॉट, और यहाँ पे लगभग सभी खत्म हो गए। हाँ हाँ सिंजन, मेरे ख्याल से सबको मैंने मार दिया। और लो भाई साहब, सबके सब ढेर हो चुके। और यहाँ पे देख सकते हैं रामू अंकल का बच्चा एकदम सुरक्षित है, और साथ ही साथ ट्रैक्टर भी एकदम सुरक्षित है, तो हमने दोनों को बचा लिया। यूहू, अब रामू अंकल हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे कलुए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे और ट्रैक्टर दोनों को ही बचा लिया, मैं पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं और मेरी टीम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, व्यूअर्स को ना इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अरे बस इतनी सी बात, व्यूअर्स अभी कर देंगे। गाइस यार फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल वाला बटन दबा दो, तभी रामू अंकल हमारी मदद करेंगे स्पेस शटल को ठीक करने में, फटाफट कर दो। और रामू अंकल आपको बस एक स्पेस शटल को ठीक करना है, चलो फटाफट मैं आपको लोकेशन पे लेके चलता हूँ। और यूहू गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रामू अंकल और उनकी टीम आ चुके और सबके सब मिलके हमारे स्पेस शटल को ठीक कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जल्द से जल्द अब ठीक हो जाएगी और फिर हम दूसरी दुनिया में जाके उस बड़े वाले हल्के शूट को लेके आ पाएंगे और उस काले हल्के सेना को हरा देंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से कुछ ठीक कर रहा है भाई साहब, शायद से इसके विंग्स को ठीक कर रहा है, और यहाँ पे पीछे का इंजन भी अभी ठीक कर देंगे, और यहाँ पे साइड में एक अंकल हथौड़ा लेके भी कुछ ठीक कर रहे हैं, और यहाँ पे रामू
रामू अंकल वेल्डिंग कर रहे हैं। बस फ्रैंकली भाई, थोड़ी देर में हमारा स्पेस शटल ठीक हो जाएगा। A few moments later. और बूम गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्पेस शटल रेडी हो चुका है। भाई साहब, रामू अंकल और उनकी टीम ने पूरा का पूरा ठीक कर दिया। भले गंदी है, पेंट वेंट नहीं मारा, लेकिन गाइस देख सकते हैं टायर लग चुके, इंजन रेडी हो चुका है, अब ये उड़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया रामू अंकल। अब चल सिंचन, फटाफट चलते यार स्पेस शटल में बैठते हैं और दूसरी दुनिया में जाते, इससे कि पहले और भी ज्यादा लेट हो जाए। आ जा। और यार सिंचन, अंदर का सिस्टम तो देख यार, फिर से वही सिस्टम। अब यार इसको कैसे चला, इतने सारे बटन है, कौन से बटन दबाऊं भाई सब समझ ही नहीं आ रहा। एक तो यार मैंने कभी उड़ाया भी नहीं है, बस पिछली बार उड़ाया था, वो भी गलती से। अरे फ्रैंकली आप टेंशन मत ले, मुझे पता है, यहाँ पे नीचे एक लीवर है, पहले उसको खींचना है और फिर हैंडल को ऊपर की तरफ खींचना है, फिर ये टेक ऑफ हो जाएगी। चलो फ्रैंकली फटाफट करते हैं, 3, 2, 1 लीवर खींचो। अरे फ्रैंकली देखो ये आगे जाने लगी, बस अब ये लाल वाला बटन दबाओ। अरे वाह सिंचन, ये बटन दबाते यार हमने टेक ऑफ कर लिया, यूहू भाई साहब हम तो उड़ने लगे, मजा ही आ गया। अब बस यार अर्थ के ऑर्बिट से निकलते हैं और फिर जाते फटाफट उस टाइटन वाली दुनिया में, फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। और गाइस देख सकते हैं स्पेस शटल कितनी ज्यादा स्पीड में ऊंचाइयों में जा रहा है। भाई साहब लास्ट सेंटोस कितना ज्यादा छोटा दिख रहा है यार, हमारी अर्थ तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा छोटी दिख रही है। और हम लोग बस आगे जाते ही जा रहे, जाते जा रहे फुल स्पीड में। अरे बहुत बढ़िया फ्रैंकली भैया, हम लोग बस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने वाले, बस ऐसी बूस्ट दे दे रहो, ये स्पेस शटल तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उन्होंने तो बहुत बढ़िया तरीके से रिपेयरिंग किया। अरे फ्रैंकली भैया ये क्या लगता है, ग्रेविटी कम हो रही है, अरे ये क्या काला क्यों पड़ गया, अरे ये देखो फ्रैंकली भैया हम तो यार स्पेस में आ गए, अरे वाह यहाँ से हमारी धरती कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, मजा ही आ गया आज तो। अबे हाँ यार सिंचन, खूबसूरत तो बहुत ही ज्यादा दिख रही है, लेकिन यार सिंचन अभी हमें रुके से देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे दुनिया में जाना है, टाइटन की दुनिया में। भाई साहब चल फटाफट वहां पे जाते। और गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग टाइटन की दुनिया में एंटर हो रहे हैं, और भाई साहब कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, और पीछे देख सकते कोई प्लेनेट भी है, कोई एलियन प्लेनेट जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे हमारी लैंडिंग होने वाली है, और भाई सब लोग मैंने कर दिया एकदम परफेक्ट वाली लैंडिंग। और ये जगह तो देखो यार कौन सी दुनिया है, बाप रे बाप, पूरा का पूरा सुनसान और ऑरेंज और भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार, ऐसी जगह पे तो मैं तो कभी नहीं आया। अरे तो फ्रैंकली मैं भी कौन सा इधर आया हूँ, आपके नानी का गाँव थोड़ी लगता है जो आप इधर बार बार आते रहोगे। और फ्रैंकली मैं ये क्या, आप तो यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी जम मार पा रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी जगह है। लेकिन अब चलो फटाफट वो बड़े वाले हल्क का सूट ढूंढो जिसके लिए हम इधर पे आए हैं। अरे हाँ सिंचन, वही तो ढूंढना है, पहले यार जंप तो लगाने दे, आगे की तरफ जाओ तो सही, क्या है यहाँ पे। और एक मिनट, यहाँ पे मेरे को कुछ तो दिख रहा है। अब ये क्या भाई साहब, कुछ नहीं, यहाँ पे तो बहुत कुछ है, यहाँ पे कोई बस्ती वस्ती है क्या, वो बाप रे बाप ये सब क्या है। अच्छा गाइस ये तो UFO है, भाई साहब एलियन के UFO पड़े यहाँ पे इतने बड़े बड़े। अरे मुझे थोड़ा संभल के चलना होगा भाई साहब, वरना ये लोग मेरे को देख लेंगे। रुको गाइस स्नाइपर निकाल के देखता हूँ यहाँ पे। ओ भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारे UFO। और गाइस ये देख सकते हैं, ये रहे वो हल्के सूट जो कि इतने बड़े बड़े, बाप रे बाप, ये तो गॉडजिला प्लस एलियन प्लस हल्के। ओ भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े, देख सकते हैं यार ये UFO के ऊपर खड़े। भाई साहब ये तो यार ब्लैक हल्क की पुंगी बजा के रख देंगे, और उस एविल हल्क की भी जो यार हमारे लॉस सेंटोस पे हमला किए। और देख सकते हैं एलियन कितने छोटे लग रहे हैं इनके सामने। तो गाइस ये जो एलियन है ना, इनके ही पैट होंगे, मतलब यार ये लोग ही मिलके ये बड़े वाले हल्क को संभालते होंगे, क्योंकि ये दूसरी ग्रह पे है ना, ये दूसरी दुनिया के इसीलिए। और भाई साहब कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, लेकिन यार मैं इनको लेके कैसे जाऊंगा अपनी दुनिया में, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े, ये तो हमारे स्पेस शटल के अंदर आएंगे भी नहीं, कुछ तो यार अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा हम लोग को इस बार। अरे फ्रैंकली मेरे पास एक मस्त प्लान है, वो जो हल्क है ना उसको UFO के साथ ही उड़ा लो, दोनों को चुरा के भाग जाओ, ये सही रहेगा, तो आप हमारी दुनिया में भी लेके आ सकते हो, यही करो। अबे हाँ सिंचन तू बोल तो सही रहा, देखिए साइड में भी है और इसके ऊपर हल्क भी है, एक काम करता UFO ही चुरा के भाग जाता, भाई साहब दोनों काम हो जाएगा। चल यही सही प्लान लगा रहा है, एक काम करता हूँ लेफ्ट से जाता हूँ, यहाँ से मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। अरे फ्रैंकली वैसे डायरेक्ट जंप नहीं लगाते यार, ऐसे तो कोई भी देख लेगा, थोड़ा संभल के, ये आपकी धरती नहीं जो यहाँ पे पैराशूट से उड़ रहे हो। और ये क्या आप तो UFO के नीचे ही आ गए, अरे स्लाइड क्या मार रहे हो क्रिस की तरह, फटाफट चोरी करके भागो यहाँ से। अरे रॉकेट निकल के क्यों मार रहे हो एलियंस को।
अबे सिंचन यार ऐसे थोड़ी आएंगे, शांति से और शांति से चले जाए। इनको पता तो चलना चाहिए ना कि फ्रैंकलिन आया था यहाँ पे। हाँ भाई साहब थोड़ी बहुत तबाही तो होनी चाहिए। एक काम करता दो चार एलियन को भी मार देता हूँ। अरे अरे एक मिनट, ये तो लेजर मारने लगे। अबे भाई साहब जल्दी भागो यहाँ से, ये तो कुछ ज्यादा ही दम वाले निकले। फटाफट इस यूएफओ में बैठता और निकल लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन आपके यूएफओ में बैठते कुछ तो घूमने लगा यार, नीचे चक्री है, ऐसा लग रहा है दिवाली की चक्री है। अरे क्या फ्रैंकलिन आप तो हल्को ही लेके उड़ने लगे, ये बहुत बढ़िया। और इस वाले यूएफओ में तो यार बंदूक भी है, ओहो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। अब चलो फटाफट निकलो वहां से, वरना वो एलियंस आपके पीछे आ जाएंगे। और जरा संभल के उड़ाओ यार, क्रैश लैंडिंग मत करवा देना। अबे हाँ सिंजन तू टेंशन मत ले, बिल्कुल सही सलामत लेके आऊंगा। देख भाई साहब तेरा भाई यूएफओ कैसे उड़ा रहा है, भाप रहा कितना ज्यादा मजा आ रहा है, और ये तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में। अब चलो भाई साहब फटाफट धरती पे चलते हैं इस वाले सूट को लेके। यूहू, और दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम लोग धरती पे पहुंच चुके, बस अभी मुझे इस यूएफओ को सेफली लैंडिंग कराना है। अरे थोड़ा सा लेफ्ट हो जा, थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा ऊपर, बस क्रैश लैंडिंग ना हो। और लो फाइनली यहाँ पे हो गई परफेक्ट लैंडिंग, अभी मजा आएगा ना। अभी चलो गाइस फटाफट इसमें से निकलते हैं और इस सूट को पहनते हैं। अरे फ्रैंकलिन मैं निकलने को बोला था, उड़ने को नहीं। आप तो खाली हर जगह बेइज्जती करवाते रहते हो, पता नहीं मुंह हाथ क्या-क्या तुड़वा लेते हो नुबड़े कहीं के। अबे सिंजन तू बेइज्जती करना बंद कर यार। और गाइस देख सकते हो ये रहा वो सूट जिसको हम लेके आए। अब फटाफट इसको पहन लेता हूं और जाके उस ब्लैक हल की सेना की छुट्टी कर देता हूं। 3, 2, 1 और बूम गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस सूट को पहन लिया। और यार इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा ताकत लग रही है। ओ भाई साहब ये देखो, ये यूएफओ को तो मैं एक हाथ से उठा के फेंक दिया। ओ बाप रे बाप, और मैं जंप भी कितनी तगड़ी लगा पा रहा हूं। अब तो किसी की भी खैर नहीं, अब तो लॉस सैंटोस को बचा के रहूंगा। कहां पे है वो ब्लैक हल की सेना और वो एविल हल्क? अरे ये क्या है, तो मेरे पीछे आ गया। भाई साहब क्या मुक्का मारा इसने मुझे। ओ बाप रे, लगता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी पावर है इसकी ऐसी की तैसी। ये ले कैसा लगा, मजा है ना। लेकिन यार ये भी उड़ उड़ के मार रहे। अबे भाई साहब दोनों आ गए ये तो। अरे फ्रैंकलिन आप डरो मत, आप दोनों को हरा दोगे। अरे ये क्या, ये ब्लैक वाला तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। अरे ये क्या, तो फ्रैंकलिन मेरे को उठा के फेंक दिया। अरे दोस्तों ये देखो क्या ही फाइटिंग हो रही है यार, बहुत ही ज्यादा धुआंधार युद्ध हो रहा है यहाँ पे तो तीनों हल के बीच में। फ्रैंकलिन भी हरा पाएंगे कि नहीं ये दोनों को? अरे बाप रे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटिंग चल रही है यहाँ तो। दोस्तों इसी बात पे कमेंट में जाके फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना, फटाफट जाके लिख दो। और फ्रैंकलिन भैया तो ये दोनों को बहुत मार रहे, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन भैया, कूट के रख दो इनको। अबे हाँ सिंजन छोड़ूंगा नहीं इनकी ऐसी की तैसी। ये ले मेरा मुक्का खा। और भाई साहब ब्लैक हल को तो मैं पहले मारूंगा। ये ले मेरा लात भी खा। वो भाई साहब भाग का आ रहा है साइड में, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं, इनकी तो वाट लगा के रख दूंगा। और आजा ब्लैक हल तेरी ऐसी की तैसी। ये ले और घुसा खाएगा। ये ले और भाई साहब क्या ही मारा, पीछे फेंका गया है वो। और एक मिनट ये एविल हल किधर गया यार, वो दिख नहीं रहा। रुको गाइस उसकी पहले बजाऊंगा। और भाई साहब यहाँ पे पहले ब्लैक हल को तो मैंने साइड में निपटा दिया। और ये एविल हल तेरी ऐसी की तैसी। ये ले और ये तो एक ही पंच में ढेर हो गया। चलो भाई साहब इसका काम तो निपट गया। और वो कहाँ गया ब्लैक हल, रुक तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को तो उड़ उड़ के मारूंगा। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन भाई, आपने एक को तो हरा दिया, बस अब इसको हरा दो, इसकी भी ऐसी की तैसी कर दो। अरे वाह आप क्या ही चाटा मार रहे हो उसको, अब बस फ्रैंकलिन भाई ये आखिरी है। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई आपने तो दोनों के दोनों को हरा दिया, दोनों के दोनों ही ढेर हो गए, यहू मजा आ गया आज तो। हाँ सिंचन मजा तो आई गया यार इन सबको हराने में। और दोस्तों अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल शुगम गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन ऑन करके। फटाफट नीचे लाल वाला बटन दबा दो और कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखना अगर आपको देखना है कि हम यूनिवर्स में और क्या क्या करते हैं। तो फटाफट कमेंट में पार्ट 3 लिख दो।